ये वीडियो हमारा क्लास 8 के लिए है और इसमें हमने पहले ही दो वीडियो पहले प्रोवाइड किया था जिसमें फोर्स एंड प्रेशर के बारे में आपको हम बताए थे। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में डिटेल से हमने आपको डिस्क्राइब किया था। आज कुछ हम प्रॉब्लम इसमें देखेंगे। प्रॉब्लम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स का प्रॉब्लम। फोर्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, ये चीज़ हम जानते हैं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ये मास है ऑब्जेक्ट का, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, आइदर विथ इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड और विथ डिक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा एक चीज और हम थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। ए निकालने के लिए हम लोग करते हैं वी माइनस यू बाई टी, जहाँ वी क्या है, वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है और टी है टाइम। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? ये चाहिए हमको इनिशियल वेलोसिटी, ये चाहिए, और वी है फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, और टी है टाइम इंटरवल और टाइम टेकन। अब सपोज कीजिए कि जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये सारा ऐसा यूनिट में होना चाहिए, सेकंड में, और ये सब हमारा मीटर पर सेकंड। या अगर बिगर यूनिट लेते हैं किलोमीटर पर आवर, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन तब हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में हमें बदलना पड़ेगा। चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट of mass 5 kg is starting from rest and requires a velocity of 10 meter per second in 5 second। अगर हम लोग ऐसे लेते हैं, टाइम हमें पता है, टाइम 5 सेकंड है, इनिशियल और इसका फाइनल हम पता करें क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो इसका इनिशियल जो होगा, इनिशियल ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। इनिशियल इसका होगा 0 मीटर पर सेकंड। फाइनल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ, ये वेलोसिटी एक्वायर करता है, वी हमारा है 10 मीटर पर सेकंड, मास इस ऑब्जेक्ट का दिया हुआ 5 kg, ये हमारा मास है 5 kg, और ऑलरेडी टी जो है ये दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी माइनस यू बाई टी 10 - 0 मीटर पर सेकेंड और टाइम है 5 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। तो अब हम चाहेंगे कि फोर्स निकालना, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑलरेडी हमें पता है, ये है 5 kg और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया 10 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा फोर्स हो गया 10 न्यूटन। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। थोड़ा सा और भी क्वेश्चन हम देखें डायरेक्ट, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ऑलरेडी मास दिया हुआ, मास 10 kg आपको और एक्सेलरेशन आपको दे दे 5 मीटर पर सेकंड इस पर, तो दोनों चीज दिया हुआ, मास भी दिया हुआ और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, ये और ये दोनों दिया हुआ है, तो हम किस प्रकार से फोर्स निकालेंगे? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास हमें पता है 10 kg है, ये हमारा 10 kg है और एक्सेलरेशन हमारा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कितना हो गया 10 × 5 = 50 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये 50 न्यूटन। इस प्रकार से भी हम छोटे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, कैसे हम लोग बनाएंगे प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन। प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, हम प्रेशर कैसे निकालेंगे। प्रेशर निकालने के लिए
प्रेशर निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स एंड एरिया पर, डिपेंड्स ऑन फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड एरिया, दैट मीन्स इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्फेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस इज अ सर्फेस एरिया, ऑलरेडी इसके बारे में हम बता चुके हैं। फोर एफ क्या है, ये फोर्स, और ये फोर्स आप न्यूटन में निकालते हैं, ये न्यूटन में निकालेंगे, और ये हमारा ए क्या है, सरफेस एरिया जिस पर फोर्स लग रहा है, सरफेस एरिया। यही हम बताए थे कि जितना बड़ा एरिया होगा प्रेशर उतना ही कम होगा, जितना शॉर्टर एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, मतलब ये इन्वर्सली जुड़ा हुआ है। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया बिटवीन द कंटेक्ट ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एरिया को बढ़ाएंगे, सिंपली एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा, एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर का यूनिट आपको बताए थे पास्कल। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि एन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 1 meter square, That means 1 square meter. Find the pressure. Pressure कैसे निकालेंगे? ये देखिए, simply देखिए क्या है हमारे पास, वो देखिए, force दिया हुआ है 10 newton और area दिया हुआ है 1 square meter. Pressure निकालने के लिए simply हम लोग ये formula apply करेंगे, F बटा A. Force हो गया 10 newton और area हो गया 1 meter square. That means न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 बटा 1 क्या हो गया, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 10 पास्कल, ये प्रेशर का यूनिट है, ये 10 पास्कल। अब फोर्स निकालना भी आपको बता दिए हैं, अगर मान लेते हैं फोर्स हमारा इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, इससे पहले हमने आपको फोर्स निकालना बता दिया कि फोर्स हम लोग कैसे निकालें। चलिए अगर हमारा इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, चलिए अगर हमारा सपोज कीजिए कि ये फोर्स हमारा 10 न्यूटन ही है और एरिया दे दें आपको सेंटीमीटर में, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दें, तब बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले इस एरिया को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, स्क्वायर मीटर, 1 centimeter को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर, चूंकि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो क्या करेंगे, 100 × 100 से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 1/10⁴, ये इतना मीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया। अब हम निकालेंगे, चलिए प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स हमारा ऑलरेडी दिया हुआ 10 न्यूटन और एरिया दिया हुआ 1/10⁴ meter square। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या होगा, 10 × ये चला जाएगा ऊपर, चेंज कीजिएगा तो इंटू में मल्टीप्लाई में इसको चेंज कीजिएगा, ये नीचे आ जाएगा वन, ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो कितना हो गया 10⁴ है, इंटू 10⁻¹ कितना हो जाएगा 10⁵, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, पास्कल। तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग बना सकते हैं। हमारा इस वीडियो का मकसद यही था कि हम आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना सिखा दें कि किस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सिंपली हमें दो फॉर्मूला याद करना है, एक प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, और फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। दो फॉर्मूला अगर हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हम इस चैप्टर को आसानी से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।